हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस लाइफ लॉन्ग क्लिनजिंग फेस मसाजर के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये मैंने ऑफलाइन परचेज किया था, बट आप ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। लगभग 800 से 900 की प्राइस रेंज में ये आपको मिल जाएगा। इसका ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये मसाजर रिचार्जेबल है। USB चार्जिंग के लिए छोटी सी कोड भी साथ में मिली है। आइए देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। मसाजर के साथ ये तीन डिटेचेबल हेड्स मुझे मिले हैं, 1, 2, 3। पहला है ये सॉफ्ट फाइबर ब्रश। वाकई में इसके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं। सिंपल पानी से अपने फेस को वॉश करें और फिर इस ब्रश की हेल्प से अपने फेस को मसाज करें। आप चाहें तो इस समय पर फेस वॉश भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए जेंटली अपने फेस के टी जोन और यू जोन पर मसाज करें और फिर सिंपल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें। अच्छा, सेकंड ये ब्रश भी मिली है जो कि क्लीनिंग फाइबर ब्रश है। इसके ब्रिसल्स इतने सॉफ्ट नहीं है व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस वन। आई सजेस्ट इस ब्रश को किसी भी सेंसिटिव स्किन पर ज्यादा देर तक यूज ना करें। जैसे आपने पहले वाला ब्रश यूज किया था, सेम उसी प्रोसेस को इस ब्रश के साथ रिपीट करें। 30 सेकंड से ज्यादा इस ब्रश को किसी एक ही पॉइंट पर ना चलाएं और अपनी स्किन पे जहां ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं या ड्राई स्किन है उसे टारगेट करें। इसे रेगुलर यूज करने के बाद आपको अपनी स्किन में चेंज दिखने लगेगा। मैनिक्योर या पेडिक्योर करने के लिए भी ये ब्रश हेड बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरा ये स्पॉन्ज हेड भी इस मसाजर के साथ मिला है जो कि मेकअप रिमूवर है। इस स्पॉन्ज मेकअप रिमूवर हेड को हम अपने फेस की क्रीम या जेल मसाज करने के लिए यूज कर सकते हैं। बस अपने फेस को क्लीन करें और उस पर कोई भी अपनी मनपसंद क्रीम या जेल या कोई भी स्किन ऑयल लगाकर इससे 5 से 7 मिनट तक जेंटली मसाज करें। बस ध्यान रखें, इस स्पॉन्ज हेड को यूज करने से पहले इसे गीला जरूर कर लें, वरना ये आपकी जो भी क्रीम या ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे तो ये मसाजर वाटरप्रूफ है, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी इसको पानी में भिगोकर ना धोएं। ब्रश हेड्स को आप कैसे भी वॉश कर सकते हैं किसी भी माइल्ड शैम्पू या सोप की हेल्प से, पर मसाजर को किसी गीले कपड़े से पोंछ लें, अदरवाइज टैप के नीचे कुछ समय के लिए इसको रखें और फिर हटा लें और फिर इसको अच्छे से किसी सूखे कपड़े से पोंछ लें। इस मसाजर को चार्ज करना भी बहुत आसान है। ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है यहाँ से। उसके बाद ये जो USB पोर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर कोड लगाकर किसी भी नॉर्मल मोबाइल चार्जर या इवन लैपटॉप से भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ये मशीन सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेट होती है और लगभग आधा घंटा चार्ज करने पर 1 से 1.5 घंटा आराम से चल जाती है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर की तरफ से हमें 1 साल की वारंटी भी मिली है। अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन और साइज की वजह से ये ट्रेवल फ्रेंडली भी है और बैग में आसानी से फिट हो जाती है। ये जो ब्रश हेड्स हैं, ये कुछ इस तरीके से मशीन में हम लगा सकते हैं और इस तरीके से पुल करके इसको हटा सकते हैं। उसके अलावा ये एक मशीन का कवर भी, हाँ ये मसाजर का कवर भी साथ में मिला है, जिसमें आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे होल्स हैं। ये होल्स दोस्तों इसलिए इसमें दिए गए हैं जिससे कि एयर वेंटिलेशन होता रहे और जो ब्रश हेड्स हैं, जो भी स्पॉन्ज है या ब्रश है उस के जो ब्रिसल्स हैं उस पे जो मॉइस्चर्स की वजह से बैक्टीरिया ना ग्रो कर पाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।